नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। भाई आज की वीडियो में हम जो लास्ट ईयर आपका पेपर आया था PRT 1 लेवल 1 का, जो कि भाई आपके EVS के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें EVS के क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के पिछले बार क्वेश्चन पूछे गए थे और किस प्रकार के आपकी बार बन सकते हैं। इससे अगली वीडियो में मैथ का सॉल्यूशन डालेंगे, वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई जो वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस संगठन के स्तर में वृद्धि होती है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है, वनोन्मूलन जो है होता क्या है। देखिए, जो वनों के क्षेत्रों में पेड़ों को जलाना या काटना, वह एक प्रकार से वनोन्मूलन कहलाता है। तो भाई पेड़ों को काटेंगे जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है, मतलब कि जो जल के द्वारा नहीं होता है। तो हेजा होता है, टाइफाइड होता है, हेपेटाइट्स होता है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को हम TB बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TB बोलते हैं। और TB क्या है, एक बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाला रोग है, तो इसलिए यह जल से नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, TB रहेगा। अब इसके बारे में कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके और भी नाम हैं। तो सबसे पहला, इसको तपेदिक भी बोला जाता है, दूसरा इसको क्षय रोग भी बोला जाता है, और तीसरा इसको यक्ष्मा भी बोला जाता है। तो TB को हम तपेदिक भी बोलते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं, और यक्ष्मा भी बोलते हैं। तो ये तपेदिक के अन्य नाम है, सॉरी TB के अन्य नाम है, ठीक है। तो इसका TB हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। तो भाई प्रदूषण के द्वारा, सबसे पहली बात अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने ये डिटेल से भी चैप्टर करवा रखा है, तो जो मिनी माता रोग है वह फ्लोरिसिस के कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये तो विटामिन के कारण होता है, अगर जिसने विटामिन का चैप्टर देखा होगा पता चल जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो क्लोरोफिल के अंतर्गत पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम है, बेसिक क्वेश्चन था, आप सभी को इसका पता ही है। नेक्स्ट आता है, किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिक अवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा, एंडेमिक जो है इसको कहा जाता है। अब सबसे पहली बात है, यह होता क्या है, यह एक ऐसा संयंत्र है जो निश्चित सीमित क्षेत्र के मूल निवासी हैं। मतलब क्या, किसी बीमारी से संबंधित या किसी विशेष इलाके में लगातार अधिक या कम सीमा तक मौजूद होता है, उसको हम क्या बोला जाता है, एंडेमिक बोला जाता है। अगर इसकी फुल डिटेल से देखनी है तो आपको ये भी मैंने वीडियो में बता रखा है, वो जाकर आप देख सकते हो। नेक्स्ट है भाई, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित नहीं होता है, नहीं वाला बताना है भाई, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय तो कौन सा नहीं होता है भाई, जल होता है, पोषक तत्व होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है भाई, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी। तो ये क्वेश्चन अब की बार भी पूछ सकता है, पर थोड़ा क्वेश्चन बदल देगा, क्या बोलेगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी। अब की बार इसने क्या पूछा, 2018 की थीम। तो 2018 की थीम क्या थी, प्लास्टिक प्रदूषण को ख़त्म करना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, प्लास्टिक प्रदूषण को ख़त्म करना। और 2019 की पूछे तो 2019 की थीम क्या है, आपको याद रखना है, प्रजातियों का संरक्षण करना। 2019 की थीम क्या है, दोबारा बता देता हूँ, प्रजातियों का संरक्षण करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट है, ओजोन के संबंध में 4 कथन दिए हुए हैं, तो कौन सा राइट कथन है। तो मैं डायरेक्ट राइट ही बता देता हूँ आपको, ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर है, 1912 के रियो शिखर सम्मेलन का जो एजेंडा 21 है, यह किससे संबंधित है। तो सॉरी, 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है भाई, आप सभी को पता होगा, जो साधारणीय विकास है उससे संबंधित है। इसके बारे में मैं कुछ डिटेल बता देता हूँ। देखिए, रियो सम्मेलन के नियम को लागू किया गया, इसके अंतर्गत इसका टारगेट क्या था, इसका शिखर
एजेंडा 21 का टारगेट क्या था? जो जैव विविधता है उसका हम संरक्षण करेंगे। क्या करेंगे? जैव विविधता का संरक्षण करेंगे और गरीबी और जनसंख्या पर क्या है कंट्रोल या कम करेंगे, भाई गरीबी या जनसंख्या होगी उस पर कंट्रोल करना है या कम करना है। पानी, वायु, भोजन अच्छी गुणवत्ता उपलब्ध कराना है, मतलब कि अच्छी प्रकार से पहुँचाना है। अगर आपसे पूछे रियो 20 कहाँ पर हुआ, तो रियो 20 हुआ रियो डी जेनेरियो में हुआ, 2012 में हुआ। अगर रियो 10 पूछे 10 कहाँ पर हुआ, तो जोहान्सबर्ग में किया गया और 2002 में किया गया। तो ये कुछ आप एजेंडा 21 से संबंधित आप कुछ बातें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिक स्तर का सदस्य है? एक से अधिक, सांप नहीं है, टिड्डा नहीं है, पलवक पलवक नहीं है, मछलियों का जो भोजन है एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, मानो मानो है भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि मानो क्या है, एक से अधिक पौष्टिक स्तर का क्या है, सदस्य है। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है, नहीं बताना है। तो लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें, ये है भाई, कचरे को जला दें, या पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, ये भी है, ये भी है, आहार में विभिन्न अनाज खाएं, ये भी है, कचरे को जला दें, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 132 कि सबसे छोटी से छोटी या सबसे सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य का सही क्रम लिखिए, पहले छोटी से फिर बड़ी से। तो इसका सही क्रम धर्म क्या हो जाएगा? पैराबैंगनी, दर्शय, अवरक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी भाई, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इन्फ्रारेड, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है, मुर्दा खोर नहीं है। देखिए इसमें ना, इस पे पिछले पेपर जो हुआ था उसमें आपके ज़्यादातर नहीं वाले पूछे गए हैं, नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये बताओ, ठीक है। तो वे आपसे क्या है पूछे गए। तो चलिए फिर भी हम बात कर लेते हैं, मशरूम, गिद्ध, दीमक या केचुआ, बताइए क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा रहने वाला है मशरूम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रियासी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है? तो केंद्रीय बोर्ड बोलता है कि 55 डेसिबल जो है यह ऊपरली हो जाती है, यहाँ से क्या है शोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 134 का बी। जैव निम्नकरणीय ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदान का उपयोग करते हैं, जबकि पुनर्चक्रित करने योग्य अपशिष्ट बी रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। क्या बोल रहा है कि जो ठोस अपशिष्ट फेंक रहे हैं उसको हम ए रंग में फेंकते हैं, और जो पुनर्चक्रण करते हैं उसको हम बी वाले डिब्बे में फेंकते हैं। तो ए और बी को पहचानिए। तो जिस बच्चे को इसलिए याद होंगे ये रंग होते हैं, आप कभी भी अगर वैसे भी मेडिकल वगैरह में जाते हैं वहाँ पर भी रखे होते हैं तो कभी भी देखना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए क्या है? हरा है, और बी क्या है? नीला है। तो वहाँ पर जाकर देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार कौन सा है? तो ये तो पता ही है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 137 देखते हैं, वायुमंडलीय हरित ग्रह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? तो उत्पन्न किसके द्वारा होता है? वायुमंडलीय द्वारा, अवरक्त विकिरणों के द्वारा उत्पन्न होता है। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। आप जो ये वायुमंडल वाला चैप्टर है मैंने फुल डिटेल से करवा रखा है, बायोस्फीयर वाला हो गया, जो जैव विविधता वाला हो गया, वो भी प्रदूषण वाले जितने भी हो गए सारे फुल डिटेल से डाल रखे हैं, वो जाकर आप देख सकते हो, आपकी ईवीएस बहुत अच्छी हो जाएगी भाई। कम से कम आपको पेपर में 30 में से 20 क्वेश्चन सेम मिल सकते हैं, 10 क्वेश्चन में से तो कुछ आप भी लगाओगे भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भौम जल स्तर के क्रम को कम नहीं करता है? तो कौन सा है जो जल स्तर के क्रम को कम नहीं करता है? अपर्याप्त वर्षा, ठीक है भाई, बढ़ती बर्फबारी, या नलकूपों की बढ़ती जनसंख्या, या बढ़ता वनोन्मूलन? तो ये कौन सा नहीं कम करता है? तो हमारी हो जाएगी बढ़ती बर्फबारी। तो बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है,
तो भारत की जो माउंटेन रेलवे है वह एक से अधिक राज्य में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोमास के आवासीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है, तो बायो के नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो बायो गैस उत्पन्न होती है, तो ए ही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चार ऑप्शन दिए हैं, गलत बताना है आपने इसमें से गलत कौन सा है, तो पावर पेट्रोल तथा ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है, ये तो ठीक है भाई। कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरितगृह गैसों का माप है, ये भी ठीक है। वनीकरण एवं वनोरोपण एक ही प्रक्रिया के दो शब्द हैं, ये गलत है भाई, दोनों अलग अलग हैं, एक ही प्रक्रिया के एक शब्द नहीं है, तो आगे हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी क्या है, गलत है। फिर है नेक्स्ट, भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा कौन सा है, तो बांस जो पौधा है वह निकाल दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक संगठन को चुनिए, तो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक संगठन का कौन सा है, पलवक, तो पलवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है, तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, नीम के, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी हो जाएगा, 144 का। ये है भाई, घरों में जलाऊ लकड़ी के अपूर्ण दहन से एक जहरीली गैस एक्स उत्पादित होती है, सांस द्वारा खींचे जाने पर गैस रक्त में उपस्थित पदार्थ में वायु से संयोजित हो जाती है, तो इस प्रकार से हम एक बार मिलान देख लेते हैं जो इनसे जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो पहले यही देख लेते हैं, डायरेक्ट लास्ट ही लाइन पढ़ ली, वे गैस सुनिए जिनसे श्वसन संबंधित हमको समस्याएं होती हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा, तो वे कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो दिल्ली है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है भाई। एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है, तो देखिए एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला बोला उसने, तो खाद्य श्रृंखला क्या कहलाएगी, पिरामिड नहीं कहलाएगी, वह खाद्य जाल कहलाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है सही मिलान करने हैं, एक को पकड़ लोगे आपको अपने आप याद हो जाएंगे, तो जो आपको पक्का आता है वैसे ये आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, इनमें से एक हर बार पूछता है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, जो बिल्कुल बेसिक आप सभी को याद होगा, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं हम कि भाई जो सी का है ए आना चाहिए, तो सी का ए किस किस में है, तो सी का ए मतलब तीन का ए, तो तीन का ए किस में है, तो भाई पहले ही ऑप्शन में है देखिए, ठीक है सी का ए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लियर। वैसे ये आपको सारे याद होने चाहिए। देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आपको सारे याद होने चाहिए, हर बार पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है भाई। फिर अब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है, यहाँ पर कई बच्चों नहीं, लगभग काफ़ी बच्चों ने गलत किया हुआ, सौर ऊर्जा लगाया हुआ, नहीं क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है। इसका आंसर बताने से पहले मैं इसकी डिटेल बताता हूँ। देखिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते क्या हैं, सबसे पहली बात ये गैर नवीकरणीय होते हैं, दूसरा ये वे होते हैं जो कुछ समय बाद या तो लुप्त हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। क्या सूर्य की जो ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है वह कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी या लुप्त हो जाएगी, नहीं हो सकती ना, तो सौर ऊर्जा तो ऑप्शन बनता ही नहीं है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो कुछ समय पश्चात लुप्त या खत्म हो जाते हैं। तीसरा इनके स्रोतों से प्रदूषण होता है, क्या सूर्य से प्रदूषण होता है, इनके स्रोत से क्या होता है, प्रदूषण होता है। चौथा पॉइंट यह ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण भी बन सकते हैं या बनते हैं,
पांचवा पॉइंट, ये बहुत महंगे भी होते हैं और व्यापार के लिए या व्यवसाय के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? नाभिकीय ऊर्जा। या अगर अब की बार तो इसने नाभिकीय ऊर्जा दे दिया, और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रदूषण भी करते हैं और व्यवसाय में भी यूज करते हैं, महंगे भी होते हैं और कुछ समय बाद ये ख़त्म भी होने हैं, ये तो पक्का है, ठीक है? तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से ऑप्शन में से कौन सा दिया हुआ है? डी, नाभिकीय ऊर्जा। तो पारंपरिक ऊर्जा का अब की बार भी पूछ सकता है, और बाई चांस अपारंपरिक भी पूछ ले या नवीकरणीय भी पूछ ले जो इसके अंतर्गत आए हैं, तो वे आपको सारे याद कर लेने हैं। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से आपको गलत चयन करना है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक है ये तो। फिर है सिमलीपोल बायोस्फीयर कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। दिबांग बायोस्फीयर कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो कौन सा गलत है? बी इसका राइट आ जाएगा, नोकरेक बायोस्फीयर। ये नोकरेक बायोस्फीयर कहाँ पर है? नोकरेक बायोस्फीयर मिजोरम में नहीं, मेघालय में है। कहाँ पर है भाई? मेघालय के अंतर्गत है, ठीक है। और यह किसके लिए होता है? यहाँ पर बांस उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? बांस का उत्पादन होता है, ठीक है, बांस का उत्पादन। तो ये आपके पिछले पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे, जिस क्वेश्चन में मेरे को लगता था आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स बतानी चाहिए वो मैंने बताई। अगर आपको फिर भी और डिटेल्स से करना है तो कुछ चैप्टर हैं जिन पे मैंने पार्ट नहीं कर रखे, वो आप जाकर देख सकते हो, वहाँ से आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। जैसे कि जैव विविधता वाला मैंने डिटेल से करवा रखा है, वायुमंडल वाला डिटेल से करवा रखा है, जल प्रदूषण वाला डिटेल से करवा रखा है, एयर प्रदूषण वाला डिटेल से करवा रखा है, और भी काफ़ी चैप्टर हैं जो मैंने डिटेल से करवा रखे हैं, जो ये ऊर्जा स्रोत वगैरह हुए ये भी डिटेल से करवा रखे हैं, स्टॉकहोम वाला हो गया, अब की बार बाई चांस स्टॉकहोम पूछ ले, पिछली बार एजेंडा 21 पूछा, अच्छा भाई और कुछ भी पूछ सकता है आपके सामने, काफ़ी चीज़ें हैं, कार्बनिक क्षेत्र वाला पार्ट पूछ ले, या फिर साइकिलिंग चेंज वाला पूछ ले, या फिर अब की बार जो फूड चेन वाला है वो भी करवा रखा है, और पारिस्थितिक तंत्र वाला मैंने फुल डिटेल से करवा रखा, वहाँ से तो हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई। बेशक मेरा नहीं देखो या कोई बुक हो या कुछ भी हो, जहाँ से भी हो, ये जो ये पाँच चैप्टर ना वे पक्के कर लो भैया स्टेट वाले। मैं फिर बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर आपको पक्के करने हैं, कहीं से भी करो, कोई बुक हो, कोई मैटर हो, कहीं से भी करो। देखिए वायुमंडल, वायुमंडल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं भाई, कितनी हमारी प्रतिशत कौन सी क्या है, दूसरा इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं भाई, सौर मंडल क्या होता है, अच्छा विषमता मंडल में क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको याद करनी है। इसको इंग्लिश में नाम क्या बोलते हैं, कितने मीटर की ऊंचाई पर मिलती हैं, वायुयान किसके अंतर्गत होता है, तो वायुमंडल का चैप्टर कंप्लीट करो। दूसरा जैव विविधता वाला चैप्टर आप कंप्लीट करो। तीसरा आपको प्रदूषण का चैप्टर पूरा करो। प्रदूषण का चैप्टर पूरा बहुत बड़ा है, कौन कौन से आते हैं? वाटर प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अच्छा भाई ये जनसंख्या प्रदूषण काफ़ी है, मतलब कि इसमें कार्बनिक प्रदूषण, तो प्रदूषण वाला चैप्टर आप कंप्लीट करो। एयर प्रदूषण, तो तीन हो गए। चौथा है पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र का बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें अपघटक, उत्पादक, उत्पादन, ये सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी अगर डिटेल्स वाला पढ़ेंगे। पांचवा, जितने भी डे बनते हैं पर्यावरण से लेकर, ओजोन दिवस, पर्यावरण दिवस, अच्छा भाई जितने भी हैं ये सारे डे आपको याद करने हैं, पृथ्वी दिवस, ये सभी डे याद करो। छठा, जितने भी पर्यावरण प्रदूषण से या पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी हमने कुछ, जैसे कि एजेंडा 21 चलाया, स्टॉकहोम सम्मेलन चलाया, अच्छा मॉनिटरी प्रोटोकॉल चलाया, तो ये सभी चीज़ें ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है जो जितनी भी थीम है वे थीम याद करो, जैसे कि अब की बार थीम पूछ ली, लोगो याद कर लो भाई, अर्थ डे का लोगो क्या था, तो वे भी याद कर सकते हो आप। तो ये जो चैप्टर मैंने बताए हैं ये चैप्टर तो आपको, और एक है ये फूड चेन वाला, तो एक फूड चेन वाला करो। एसटेट का बच्चा जो भी तैयारी कर रहा है ये चैप्टर जरूर से भी जरूर करे, कहीं से भी करो, मैं ये नहीं बोल रहा आप मेरी वीडियो से देखो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, कहीं से आपको मिलता है वहाँ से करो, कोई आपके पास बुक है वहाँ से करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, एसएससी के क्वेश्चन उठाओ, कहीं से भी करो, पर ये चैप्टर करो। ये चैप्टर करने के बाद आप
कुछ ज़्यादा भी कुछ नहीं पढ़ोगे तो तब भी 20-22% आप लगा दोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के साथ। धन्यवाद।